व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है, जिसमें आज से लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांग की गई है। व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार का केस मंगलवार 25 मई को फाइल किया गया। मैसेंजर ऐप ने कहा कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी। देश में कोरोना संक्रमितों के नए मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। मंगलवार को 2,08,714 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इससे पहले सोमवार को नए संक्रमितों का आंकड़ा 2,00,000 से नीचे पहुंच गया था। राहत की बात रही कि पिछले 24 घंटे में 2,95,085 लोगों ने कोरोना को मात दी। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के बावजूद कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के तेवर बरकरार हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन बुधवार को 180 दिन यानी 6 महीने पूरे हो रहे हैं, लेकिन वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान संगठन 26 मई को काला दिवस मना रहे हैं। उड़ीसा के भद्रक जिले में धामरा बंदरगाह के निकट गंभीर चक्रवाती तूफान यास के पहुंचने की शुरुआत सुबह 9 बजे से हो गई। उड़ीसा के विशेष राहत आयुक्त पीके जैना ने कहा कि चक्रवात अनुमानित समय से कुछ घंटे की देरी से पहुंचा, क्योंकि इसकी रफ्तार 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई।